हेलो एवरीवन, तो एरे के तीसरे वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक जो कि बहुत जगह काम आती है। और इस टेक्निक को सीखने के लिए हम सिंपली दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये टेक्निक हमारे को क्यों यूज़ करनी पड़ी, हमने नॉर्मल नाइव वे यूज़ क्यों नहीं करा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें एक एरे गिवन होगा जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी रेंज 1 से 10 की पावर 19 के बीच में होगी, और इस एरे का साइज n गिवन होगा जो कि 1 से 10 की पावर 6 रेंज का है। तुम्हें q क्वेरीज मिलेंगी क्वेश्चंस में, क्वेरीज की रेंजेस भी 1 से 10 की पावर 6 तक है, और हर एक क्वेरी में तुम्हें दो पोजीशंस मिलेंगे l से r। तुम्हें क्वेश्चन इन q क्वेरीज का आंसर देना है, यानी कि तुम्हें जो l से r मिलेगा इसमें तुम्हें करना क्या है, एरे के lth पोजीशन से rth पोजीशन के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं तुम्हें उन सब का सम बताना है। ये तुम्हारी क्वेरीज होंगी, यानी कि मान लो अगर l तुम्हारा 0 है और r तुम्हारा 5 है, तो 0th पोजीशन से लेके 5th पोजीशन तक एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का सम क्या होगा, तुम्हें हर क्वेरी में ये आंसर करना है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में क्वेरी ना होती और सिंपल तुम्हें एक L और R पोजीशन दिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता था कि हम सिंपली L से R तक आइटरेट करते और जितने भी एलिमेंट का सम है उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा देते और उसको प्रिंट करवा देते। इस क्वेश्चन में मेन दिक्कत तब आएगी जब इसमें Q क्वेरीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, क्योंकि तुम्हारी क्वेरीज की रेंज 10 की पावर 6 तक है। तो अगर तुम बार बार ही आइटरेट करोगे L से R तक, और L से R की रेंज तुम्हारी 1 से लेके n तक हो सकती है अगर 1 बेस इंडेक्सिंग का एरे है, वरना 0 से लेके n माइनस 1 तक L से R तुम्हारा हो सकता है, यानी कि वो n के जितना बड़ा हो सकता है। तो अगर तुम मान लो कि तुम्हारे को सारी क्वेरीज वो 0 से n माइनस 1 ही दे दे, क्वेरी का साइज 10 की पावर 6 है, n का साइज भी 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 क्वेरीज के लिए तुम 10 की पावर 6 टाइम्स अगर एरे में ट्रेवर्स करोगे तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर से ज़्यादा हो जाएगी, n स्क्वायर हो जाएगी, जो कि जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 की पावर 12 आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है 10 की पावर 8 से, और तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जब बार बार क्वेरी का आंसर करना है, बार बार सेगमेंट के सम प्रिंट करवाना है, तो हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम प्री सम है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने पहला एग्जांपल लिया, हमारा ये ए एरे गिवन है जिसका साइज 10 गिवन था, और इसमें एलिमेंट हमारे ये हैं करंटली। हमने सेम साइज का एक और एरे बना लिया प्री नाम करके, और हमने इसमें क्या करना है, हमें प्री ऑफ आई में उतने नंबर भरने हैं, मतलब प्री ऑफ आई में सम भरना है 0 से लेके आईएथ प्लेस तक, यानी कि अगर हम 0th पोजीशन पे हैं तो हमें सम भरना है 0 से लेके 0th पोजीशन, जो कि पहला एलिमेंट ही है। अगर हम फर्स्ट प्लेस पे हैं तो पहले दो एलिमेंट का सम क्या होगा, वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा। अगर हम सेकंड प्लेस पे हैं तो पहले तीन एलिमेंट का सम क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा। यानी कि अगर हम ith पोजीशन पे हैं तो स्टार्टिंग से लेके ith पोजीशन तक के सब एलिमेंट्स का सम क्या होगा, हम ये एक प्री सम नाम क्या एरे में स्टोर करा लेंगे। तो इससे हम जब ये करा लेंगे तो लास्ट इंडेक्स पे हमारे पूरे एरे का सम पड़ा होगा। तो अगर मान लो हमारी क्वेरीज कुछ इस तरीके से हैं कि मान लो L 3 से 5 गिवन है, तो अगर तुम नॉर्मल लॉजिक देखते हो कि 3 पोजीशन से 5 पोजीशन तो एलिमेंट तुम्हारे कौन कौन से आते हैं एरे में, तो 3 से 5 में तुम्हारा 6 + 1 + 12 यानी कि 19 का सम बनता है। तो इस प्री एरे के हेल्प से हम ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको समझना यार बहुत आसान है कि मान लो अगर मैं कहूँ प्री ऑफ 5 में मेरा क्या पड़ा है, प्री ऑफ 5 में मेरा स्टार्टिंग से लेके 5th पोजीशन तक जितना भी मेरा सम है मेरा ये पड़ा है। अगर मैं इसमें से प्री ऑफ 2 माइनस कर दूँ, यानी कि थर्ड इंडेक्स से पहले कि एलिमेंट का जो सम है ये मैं टोटल सम में से माइनस कर दूँ 5th एलिमेंट तक, तो मेरे क्या सम बचते हैं, मेरे 3, 4, 5 पोजीशन के ही एलिमेंट का सम बचेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मेरे पास 0 से 5 तक का सम पड़ा है और उसमें से मैं 0 से 2 तक का सम माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 3 से 5 तक का ही सम बचता है।
तो हमारा ये लॉजिक सिंपली इसी पे काम करता है। और इससे कैलकुलेशन करने पे हमने देखा कि अगर प्री ऑफ 5 माइनस प्री ऑफ 2 करेंगे जो कि 27 माइनस 8 है तो वो भी 19 आता है। अगली बारी अगर मान लो हमारे को 0 से 9 यानी कि कंप्लीट रेंज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, प्री ऑफ 9 माइनस प्री ऑफ एल माइनस 1। अब यहाँ पे एल हमारा 0 है तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा यानी इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर तुम जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज करते हो एरे में तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है वरना तुम्हारा गलत आंसर आएगा। तो जब भी हमारा एल जीरो होगा तो हमारा आंसर हमेशा प्री ऑफ आर हो जाएगा। तो अगला रेंज अगर मान लो 2 से 8 है तो वो सिंपली प्री ऑफ 8 माइनस प्री ऑफ 2 माइनस 1 यानी कि प्री ऑफ 1 हो जाएगा और इससे हमारा सेम आंसर आएगा। तो हमने आज सीखा कि अगर हमारा ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें सेगमेंट्स के आंसर देने हैं जो सम के ऊपर बेस्ड है तो हम एक प्री सम कंप्यूट कर सकते हैं और बड़ी रेंज में से छोटी रेंज माइनस कर दें तो हमारे को एक बीच की रेंज मिल जाती है। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें बीच की चीज़ चाहिए हो, हमारे को बड़ा पता हो छोटा पता हो तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इसका फटाफट कोडिंग रिव्यू कर लेते हैं। मान लो हमारे को एरे 10 गिवन है, एरे साइज 10 गिवन है और क्वेरीज 3 हैं। वही सेम क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल में समझाया था। तो हमने इनपुट लिया n और q, हमने एक एरे बना लिया n प्लस 4 साइज का, जितना गिवन साइज है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा साइज ले लेते हैं। फिर हमने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे गौर करने की बात है, जो मैंने प्री सम बनाया है वो मैंने लॉन्ग लॉन्ग इंट का बनाया है ना कि इंट टाइप का बनाया है। जब मैंने एरे बनाया था तो वो मैंने इंट टाइप का बनाया था, लेकिन जब मैं प्री सम बना रहा हूँ तो वो मैं लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का बना रहा हूँ। ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि अगर तुम गौर करोगे तो हमारा हर एलिमेंट का रेंज 1 से 10 की पावर 9 तक का था। अब 10 की पावर 9 तक तो हम स्टोर करवा सकते हैं एक इंट वेरिएबल में आराम से, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास 10 की पावर 6 एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट 10 की पावर 9 के रेंज में हैं तो जब तुम इन सबको ऐड करोगे तो ये एक इंट की जो साइज होती है वेरिएबल की उसको ओवरफ्लो कर जाएगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें इसमें लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना पड़ा। जितने भी क्वेश्चन में तुम्हारा कभी भी एरे में एलिमेंट 10 की पावर 9 का साइज़ का होगा तो कभी भी तुम उससे कभी भी सम निकालो मल्टीप्लिकेशन निकालो तो हमेशा बहुत बड़े साइज़ का यानी कि लॉन्ग लॉन्ग इंट साइज़ का लेना प्रेफर करना। इसमें गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वरना बहुत बार ही ऐसा होता है कि तुमने लॉजिक सही बनाया होता है लेकिन तुम्हारी वैल्यू ओवरफ्लो कर रही है, जो तुम वैल्यू डाल रहे हो उसकी जगह कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है, इस वजह से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आई होप तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग इंट का मतलब समझ आया होगा कि मैंने क्यों यूज़ करा है। और मैंने सम वेरिएबल जो कि मेरे को सम बताता रहेगा कि मेरे को प्री में अब क्या भरना है उसको भी लॉन्ग लॉन्ग इंट से इनिशलाइज कर दिया। तो प्री ऑफ आई में मैं क्या भरूंगा, सम वेरिएबल में मेरा पड़ा होगा कि अब तक का मेरा सम कितना है प्लस जो करंट एलिमेंट है वो मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे आईएथ पोजीशन तक का सम पता लग जाएगा। यानी कि प्री ऑफ जीरो में पहले सम जीरो था तो ए ऑफ जीरो आएगा, फिर सम में मैंने ए ऑफ जीरो प्लस करा दिया यानी कि सम में अब जीरो तक का सम पड़ा है। ऐसे करते करते जब हम प्री ऑफ टू में जाएंगे तो सम में 1 तक का सम पहले से पड़ा होगा और प्लस a ऑफ 2 कर देंगे तो प्री ऑफ 2 में 2 तक का सम आ जाएगा। ऐसे करके हमने प्री वाला पूरा एरे बना लिया। एरे जब एक बारी बन गया हमारा तो ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में है अभी, क्योंकि हमने किसी भी क्वेरीज को अभी छेड़ा नहीं है। तो n हमारा 10 की पावर 6 था तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अभी लीनियर में है। अब हम q क्वेरीज को प्रोसेस करेंगे। एक बार ये हमने प्री कंप्यूट कर लिया प्री सम, तो अब हम क्वेरीज को प्रोसेस कर सकते हैं वो भी लीनियर टाइम में। हमने q क्वेरीज के लिए एक वाइल लूप लगाया कि q जब तक हमारा जीरो से बड़ा रहेगा हम ये लूप चलाते रहेंगे। इंट l और r बनाया हमने, l और r इनपुट ले लिए जैसे कि 3 और 5 दिख रहा है तुम्हें। मैंने एक लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर करके बना लिया, इसमें मैंने प्री ऑफ r डाल दिया पहले से ही, और मैंने अगली एक कंडीशन चेक लगा दी कि अगर मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि l माइनस 1 मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है अगर, तभी मैं आंसर में से प्री ऑफ l माइनस 1 माइनस करूँगा। यानी कि जो जीरो वाला केस मैंने तुम्हें वहाँ पे समझाया था कि अगर मेरा l जीरो होता है तो मेरे आंसर में सिर्फ प्री ऑफ r आएगा, अगर l मेरा जीरो से बड़ा होगा तो आंसर में प्री ऑफ r माइनस प्री ऑफ l माइनस 1 आएगा। ऐसे मैंने आंसर कंप्यूट करा और मैंने आंसर प्रिंट करवा दिया। तो
तो तुम देख रहे हो हमारे को सेम आउटपुट मिला है जो हमारा रिक्वायर्ड था 1946 और 41 इन तीनों केसेस के लिए, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। तो यार बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कैसे इस चीज़ इस कॉन्सेप्ट को इस थ्योरी को हम मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें एक एरे गिवन होगा जिसमें सारे एलिमेंट तुम्हारे 1 और 0 होंगे। तुम्हें क्यू क्वेरीज गिवन होंगी जिसमें सेम तुम्हें 2 पोजीशन दिए जाएंगे, यानी कि एक रेंज दी जाएगी, और तुम्हें ये बताना है क्या उस रेंज में सारे एलिमेंट सेम हैं या अलग हैं। तो अगर उस रेंज में सारे एलिमेंट सेम हैं तो तुम्हें यस प्रिंट करवाना है, वरना नो प्रिंट करवाना है। सेम कंस्ट्रेंट है इस क्वेश्चन के भी, तुम्हारा एरे का साइज 10^6 तक होगा और क्वेरीज भी तुम्हारी 10^6 तक होगी, यानी इसको हम नाइव वे से नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए हम प्री समकर टेक्निक यूज़ करेंगे। वो देखते हैं कि हम कैसे ये फाइंड कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट हमारे सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो मान लो हमारे को ये एरे गिवन है इनिशियली 0100111111, तो हमने सेम तरीके से प्री सम भी कैलकुलेट कर लिया सारे एलिमेंट्स का। अब हमें क्वेरी मिलती है 1 से 4 की, तो अगर हम 1 से 4 देखें तो हमारे सारे एलिमेंट सिमिलर नहीं हैं। हम अगर प्री निकालें प्री ऑफ 4 माइनस प्री ऑफ 0 तो वो 2 आता है, और 1 से 4 तक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है R-L+1। R-L करोगे, 4-1 करोगे तो एक जितने तुम्हारे एलिमेंट है उससे हमेशा एक कम आएगा, तो उसको हैंडल करने के लिए +1 कर देते हैं। तो हमारे को पता चलता है कि हमारे 4 एलिमेंट हैं लेकिन इनका सम 2 आ रहा है। तो अगर मान लो तुम्हारे सारे 1 होते तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते उतना तुम्हारा सम होता, अगर तुम्हारे सारे 0 होते तो फर्क नहीं पड़ता कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो तुम्हारा सम हमेशा 0 आएगा। तो अगर तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट मैच ना करें जो तुम्हारा सम आया है और तुम्हारा सम भी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमें ये सिंपल पता लग गया कि उस रेंज में सारे एलिमेंट सिमिलर नहीं है। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन सम हमेशा 0 आ रहा है तो हमें ये पता लग गया उस रेंज में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो यस आएगा। अगर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ रहा है सम के इक्वल, तो हमें ये पता चल गया कि जितने एलिमेंट हैं सारे 1 हैं, तभी सम और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ सकते हैं। तो अगली रेंज अगर मैं कहता हूँ 2 से 3 तक की है, 2 से 3 तुम देख रहे हो 0 0 है, तो प्री ऑफ 3 माइनस प्री ऑफ 1 करा तो 0 ही आ गया। तो हमें ये पता चल गया अगर हमारा सम 0 हो जाएगा तो सिंपल हमारा आंसर यस होगा। अगर हम एक और रेंज लेते 4 से 8 तक की, तो हम देखते प्री ऑफ 8 6 है और प्री ऑफ 3 1 है, यानी कि 5 आंसर आता हमारे सम का, और 4 से 8 तक भी एलिमेंट्स 5 है, यानी कि 5 एलिमेंट है और सम भी हमारा 5 है, तो यानी कि वो सारे पक्का 1 होंगे, तो हमारा आंसर यस आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बस यही छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी थी, यही दिमाग लगाना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिलेट कर रहे हैं हमारे सम के साथ। अगर ये हमने दिमाग लगा लिया होता तो हम ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेते, क्योंकि हमें प्री सम की टेक्निक्स पता है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी हम कोडिंग पार्ट रिव्यू कर लेते हैं। ऊपर का जितना पार्ट है हमारा वो सारा सेम रहेगा, हमने सेम तरीके से प्री सम निकाल लिया, और जब हम क्वेरी पार्ट में आते हैं तो एक छोटा सा चेंज होगा इसमें। हमने जैसे सम निकाला था प्री ऑफ एल माइनस प्री ऑफ आर माइनस प्री ऑफ एल माइनस 1, वैसे ही हम एक आंसर में वेरिएबल स्टोर करा लेंगे कि मेरे इतने एलिमेंट का सम कितना है। एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि R-L+1 ये कितना है। अगर हमारा सम इक्वल्स टू 0 है तो हमारा आंसर यस होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू हमारे सम के है, तो हमारा आंसर यस होगा, वरना हमारा आंसर नो होएगा। तो जैसा कि मैंने सेम केस लिया है जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था, तो तुम देख रहे हो 1 से 4 के बीच में सेम एलिमेंट नहीं है तो नो आंसर आया है, 2 से 3 के बीच में दोनों 0 हैं तो यस आंसर आया है, 4 से 8 के बीच में सारे सेम हैं तो यस आंसर आया है। अगर मान लो इस 4 को मैं 3 कर दूँ और इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूँ, तो मेरा देख रहे हो कि तुम यहाँ पे नो आंसर आ गया है।
तो आई होप तुम्हें दोनों क्वेश्चन समझ आई होगी, तुम्हें ये टेक्निक अच्छी लगी होगी और इसको यूज करके तुम फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेरी वाले इजीली कर सकते हो। जब तुम्हें एक सेगमेंट का आंसर चाहिए हो तो तुम पहले ही क्वेरी से पहले वो सेगमेंट का आंसर निकाल के रख लो। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बिगनर के लिए जिन्होंने कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं करे, उनका TLE हमेशा आ जाता अगर तुम्हें प्रीसम वाली टेक्निक का पता नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।